हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले दिखाया था कि यहां पे हम लोग क्रॉकरी यूनिट है ये, और ये क्रॉकरी यूनिट में कैसे बेबलिंग मिरर लगाते हैं। तो ये वीडियो में आप लोग को आज इसका फाइनल स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसको फर्मा कैसे बनाते हैं, और आज के वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि ये फर्मा करके जो हमारा ग्लास आया है कटिंग करके, ये बेबलिंग मिरर जो हम लोग का आया है हमारे पास, तो इसको अभी हम लोग लगाएंगे कैसे। ये देखिए हमारा बेबलिंग मिरर है ये वाला, इसको कैसे लगाते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे को शेयर भी कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को, और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिज़ाइन वीडियो सबसे पहले। चलिए मैं वीडियो में दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे इसको बेबलिंग मिरर को लगाया जाता है। ओके, और इसको लगाने के लिए जो हमारा ये है, इसको हम लोग सिलिकॉन से लगाएंगे। ये जो आप सिलिकॉन देख रहे हैं ये HS है, और इस तरीके से अभी हम लोग का ये गन में ये सिलिकॉन लगा दिए हैं। ये हम लोग का सिलिकॉन का गन होता है, इसको अभी हम लोग इसमें मिरर में बैक करके इसको आपको यहाँ पे लगा के दिखाएंगे। तो ये पूरा नंबर टू नंबर सिस्टम में लगेगा, और सभी मिरर में हम लोग का क्या है कि नंबर सिस्टम दिया हुआ है। जो भी यहाँ पे हम लोग का नंबर किया हुआ था सारा ग्लास में हम लोग का नंबर है। ये छोटा वाला भी आप जो देख रहे हैं इसमें भी 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारा नंबर सिस्टम में हमारा ये ग्लास यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अरे तमाम हम लोगों का जितना भी फर्मा था डायमंड जो कटिंग करने के लिए जो है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। सारे को हम लोगों ने लगा लिया है पिन से। और इसमें क्या आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फर्मा के साथ जो हम लोग ग्लास लाए हैं तो वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए एक एक फर्मा को खोल खोल के, बहुत सारा लोग इसमें आप फर्मा खोल के भी इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्मा लगा के रखें। तो एक एक करके हम लोग फर्मा को हटाएंगे और एक एक करके इसको डालेंगे, तो ऐसे करके आपको लगाना है। तो इस तरीके से सारा हमारा यहाँ पे नंबरिंग हम लोगों ने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे हम लोगों का नंबरिंग क्या हो रहा है, ये जैसे देख रहे हैं आप। और ये भी हमारा बेबलिंग जो है, ये बेबलिंग मिरर में सारा हम लोगों का मार्किंग किया हुआ है। और ये जो बेबलिंग होता है ये हम लोग का 1/2 इंच का बेबलिंग हुआ है। ये जो आप बेबलिंग देख रहे हैं, ये जो एज है इसका चारों तरफ जो किनारा आप देख रहे हैं, ये हम लोग का 1/2 इंच का बेबलिंग है। तो 1/2 इंच और 1/2 इंच मिल के 1/4 इंच का ये बेबलिंग साइज हो जाएगा। जो ये आप देखेंगे ये ऐसे, ये 1 इंच का बेबलिंग आपको दिखेगा। तो इस तरीके से पूरा लगने के बाद और लगाते हुए इसको कैसे लगाते हैं ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये जो है हमारा ये हॉल का क्रॉकरी यूनिट है, और यहाँ पे हम लोग ये मिरर जो है, मिरर का जो क्वालिटी है वो क्लियर मिरर है, मतलब आपका जो नॉर्मल मिरर हम लोग का होता है वो है। तो ये मिरर काफ़ी सुंदर लगता है, इसमें थोड़ा एक रिफ्लेक्शन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्लियर मिरर बोल के इसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। देख रहे हैं ये गन में हम लोगों ने यहाँ पे सिलिकॉन लगा लिया है, और सिलिकॉन को यहाँ पे ऐसे करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको 30 मिनट के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट से लेकर लास्ट तक करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो लगाने का प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले दिखाया, सेम प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आधा से अधिक लगने के बाद फिर से मैं आपको एक बार लास्ट तक मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बर्फ़ी का जो साइज़ होता है, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है ये डिपेंड करता है, ये जो क्वांटिटी है ना और जो बर्फ़ी का साइज़ होता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है ये मिरर का प्राइस, बेबलिंग मिरर का प्राइस। ओके, तो अगर आपको इसके प्राइस के बारे में या फिर इसके बारे में कुछ भी और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो बंदा है मिरर को बार बार चेक कर रहा है, और उसको चेक करने के बाद इसके साइज़ को देखने के बाद मिल जाने के बाद उसमें हम लोग पीछे में यहाँ पे सिलिकॉन दिए, और सिलिकॉन देने के बाद ये हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने का जो तरीका है ये आपको सिर्फ सिलिकॉन लगा के मुश्किल से 7 to 8 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर में इसको आपको हल्का ठोकना है, मतलब हाथों से इसको बिठाना है। और इसके बाद इसको जो सिलिकॉन लगाने के बाद जो प्रोसेस है, बस इसको आपका जो एवरो टेप होता है आप उसको एवरो टेप ऊपर से लगा दो, ताकि जो इसका मिरर है वो इधर उधर अपनी जगह से खिसके नहीं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एवरो टेप थोड़ा बहुत लगाते हैं जॉइंट में, जो भी जॉइंट्स हैं वो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसको आराम से लगा सकते हैं, पेशेंस में आपको लगाना है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं इसका एक फाइनल आउटपुट आपको देता हूँ। ओके, ये हमारा अभी ये जो वर्क है इसमें दो तीन बाकी रहता है, फिर इसके बाद इसका जो साइज़ है ये हम लोग का पूरा रेडी होने के बाद ये आप व्यू से देख सकते हैं पूरा बेवलिंग मिरर का। और ये क्रॉकरी यूनिट हम लोग का अभी ग्लास यहाँ पे लगना बाकी है, नीचे का ये बेस कैबिनेट।